बहुत ही जल्दी बनने वाली ये क्रिस्पी बैंगन फ्राई की रेसिपी एक बार ट्राई जरूर करिएगा। आप एक बड़ा बैंगन ले लें और उसे गोल आकार में हाफ इंच में काट लें। कटे हुए बैंगन को पहले हम नमक वाले पानी में 15 से 20 मिनट के लिए सोक करके रखेंगे। इससे बैंगन जो है वो काले भी नहीं पड़ेंगे और अगर इसमें कुछ कड़वाहट होगी तो वो भी निकल जाएगी। बैंगन को पहले हम सूखे मसाले से मैरिनेट करेंगे। उसके लिए लिया है मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर और आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ले सकते हैं। मैंने आधा चम्मच नमक यूज किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जो बैंगन हमने काट के रखा था उसे मैंने हल्का सा पोंछ लिया है और इसमें आप ये सूखे मसाले दोनों साइड से अच्छे से लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से बैंगन में मसाले का और नमक का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। आप 3 से 4 बड़े चम्मच चावल का आटा ले लें, चाहे तो आप बेसन भी ले सकते हैं, पर चावल के आटे से ये अच्छे कुरकुरे बनते हैं। ये इसे दोनों साइड से आप कोट कर लें। मैंने एक तवा लिया है, उसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप चाहे तो रेगुलर कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं और इसे दोनों साइड से अच्छे से तल लिया है। अगर आपको लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच तेल और भी डाल सकते हैं और ये करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। बैंगन फ्राई की ये कुरकुरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।